अभी उस्मान भाई जितने दिखते उतने हैं नहीं, खाने के मामले में वो सही है कि बराबर में बैठे देखो। दोस्तों कैसे आप सब, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है, थोड़ा टाइम पास करने वाले तो हम लोग का प्लान बना के चलो कुछ पका के खा लेते। तो हम लोग आज चिकन कोकनी बना रहे, उसका नाम चिकन कोकनी बन जा रहा है। चिकन कोकनी अंडी, चिकन कोकनी अंडी आज की डिश है। हमारे शेफ है फहीम शेख हैदराबादी और आपके होस्ट है मुस्तफा जुआरी। और ये आधे घंटे से हमारे प्याज चल भूज रहे और ये इसको डोंट ट्राई इट होम, होम पे ट्राई नहीं करना है इसको, फार्म हाउस पे ट्राई कर सकते हो नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा सबको। हाँ, और ये जो पीछे से आवाज आ रही है हमारे उस्मान खालू की है। ये सिंगर, ये सिंगर भी है और पार्ट टाइम में वो सेलिंग भी करते हैं ऑनलाइन। चुप ना, देखो प्रमोट कर रहे हो, प्याज जली शेफ जल्दी शेफ 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 आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपने क्या यूज किया फहीम भाई? ये भी दिखा। और ये इन्होंने मतलब पहले ही मसाला लगा चुके जो भी लगाना था यहाँ पे। क्या लगा रहे हो फहीम भाई? और ये चिकन को तेल के अंदर डालते हुए पकड़ दे। रुक, पकड़े उस्मानी उतर। बहुत ही बढ़िया डिश दिख रहा है मेरे को, यानी बनने के बाद मालूम पड़ेगा वो कितना बढ़िया है। तो और यहाँ पे शेफ को एक हेल्पर की जरूरत थी तो हमारे मुसफ जुआरी भी यहाँ पे उनकी हेल्प कर रहे हैं। रुकना भाई, तो क्यों उड़ा रहे हैं पकने जैसे उधर? नहीं नहीं, इसको क्या पानी भी नहीं डालते अभी, रुक जरा थोड़ी सी देर होने के बाद पानी डालेंगे। शांति रख, जरा शांति रख, पानी चला रहे थे प्लेट ला। और फहीम भाई अब आप थोड़े फ्री हो तो मुझे बता दीजिए आपने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया ताकि हमारे दर्शक क्या उसको नाजरीन, ताकि हमारे नाजरीन इस से वाकिफ हो और वो भी अपने फार्म हाउस पे ट्राई करे। रुकना हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ये अभी कुछ धीमी आंच पे, धीमी आंच तो एक ही हमारे पास, आंच तो एक ही आंच है, उसी आंच पे हमने रख दिया इसको। अभी फहीम भाई बताएगा, अभी रेसिपी बताओ सर, जो जो आपने इसमें यूज किया है और कितनी देर तक, कितना क्वांटिटी बनाना है, कितनी क्वांटिटी के हिसाब से सर, जिसको जितना चाहे उतना डाल के खा लेने। तेरे को इज्जत दे रहे हम लोग, अच्छे से बता। YouTube पे जाएगी फाइन वीडियो, मत मस्ती कर, अच्छे से बता यार। वीडियो बन रही इतनी अच्छी खासी मस्त में था तो उसने तैयार करके लाया था सर। तो सर बताइए आप अभी क्या क्या इस्तेमाल किया और कितना इस्तेमाल किया? हमने थोड़ा चिकन, सबसे पहले तो हम आपको चिकन की क्वांटिटी बता दे, 1 kg चिकन था, मतलब 1 kg चिकन था। फ्लेवर भी यूज किए थोड़ा, फहीम मत ना मजाक कर, पास मारी जो धीरे से, लेकिन बहुत है। और यहाँ पे धुए खबर तेरे यार की, ये हमें बोटी ने बोटी बाद में पानी के अंदर ही पकेंगे ना, बोटी बाद में टेस्ट करा खाली नमक वाह वाह मत दिखा, बता 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 वीडियो में तेल ज्यादा है माशाल्लाह, अच्छा टेस्ट है। विश्वास
तो ये क्रेडिट तेरे को नहीं जाने वाला है, जो इसने मसाला लगा के दिया तुम्हारी अम्मी जान ने, उनको ये क्रेडिट जाएगा। हाँ और यहाँ पे पानी की मिलावट की जा रही है सालन के अंदर। अरे उल्टा उसको उल्टा। माशाल्लाह फहीम भाई के हाथों में जादू नहीं मैजिक है, ब्लैक मैजिक। बहुत टेस्टी दिख तो रहा है, अभी खाने के बाद पता चलेगा कितना टेस्टी है। और इसके साथ मतलब मेहनत रंग लाई तो चेहरे पे मुस्कान आई। मुस्कान तो देखिए भाई की चेहरे पे जो खुशी है, आय हाय हाय, हंसी हंसी हंसी, अभी तो मतलब रुक भी नहीं रहे मुस्कान से, चेहरे तक नहीं रुकी, पूरा पेट तक आके हिला दी फहीम भाई को। एंट्री बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने लेके आए हुए। हो मिट्टी मिट्टी चाशनी तैयार है, फहीम भाई ने बनाया ये भी, ये उस्मान भाई, फहीम भाई ग्लास, वेयर इज ग्लास, है इसके बिना तो अपनी पार्टी अधूरी है जी, खाना बिल्कुल ना एक इसमें खा, वो रोटी अगर कम खाता मैं तो खाऊं ना पहले रोटी, तुम राइस तो डालो, पहले रोटी खाएंगे। राइस ऐसा लग रहा था कम रहता लेकिन बहुत पकते है वो, बनने के बाद ज्यादा होते हैं। चटाला आ गया, अरे कुछ ना था बस, अब ले लाइक वो लाइक चटला इस साल ही तो परात लेके आ गया, परात में खाओगे फहीम भाई, पानी पानी के हुए लेकिन इनकी मेहनत रंग लाई, खून पसीने की बहाई हुई साला अंडी, खून पसीना बहा के बनाई हुई अंडी है। डाउट है, यकीन बोलते उसको तो भाई, हमको थोड़ा पड़ोसी है ना, राइस जबरदस्ती में तुम डाला है, चलो अच्छा बना है लेकिन था। और बोल रहा था उतना जितना और जितना लाया ना, राइस थोड़ी पचक गई है, राइस का रवा हुआ है लेकिन जैसा भी है। पापड़ पापड़ परोसी है ये भाई, आपको ये आपको आपने ले लिया, ये मोहम्मद हमद आप लो, आधा मोहम्मद को दो, इनको बोल रहा हूँ लो मोहम्मद। क्या अरे ये काटा नहीं फिर आपने टमाटर, नहीं तो आपको मैं बोला था थोड़ा काट के मिक्स करो, कांदा भी आप ले सकते हो आपके स्वाद अनुसार जितना चाहिए, कांदा नीचे, कांदा मैं तो बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा खाइए इस लॉकडाउन के जमाने में, जितना आप सलाद खा सकते हो खाइए, अच्छी बात है, उससे क्या होता है इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इम्यून पावर बढ़ता है अपना। खाते जाओ खाते जाओ, कोई मैं अपनी मेहनत से बना हुआ खाते हुए दबा के, ये देश हमारा। और ये उस्मान भाई जितने दिखते उतने है नहीं, खाने के मामले में वो फहीम भाई के बराबर में बैठे, देखो चिकन के अंदर प्रोटीन ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, प्रोटीन वाले टुकड़े ढूंढे हो अभी। आखिर में खाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, और ये उस्मान भाई से बैठा नहीं जा रहा है, इनकी सूरत पे और इनकी बॉडी पे मत जाओ, पेट देखो अंदर खींच रहा है। और ये मसद भाई बैठे हैं थोड़ा स्प्राइट पीते हुए, और इनसे तो बैठे ही नहीं जा रहा। मुंह में छुपा फहीम बहुत अच्छा बनाया था माशाल्लाह कसम से,
मुंह दिखाने के लायक है, इतना नूरानी चेहरा है, बिना मुच्छी की दाढ़ी है, ऐसा खास मत भाई। बन जा तू मेरी इश्क़ की चाशनी, हो मिट्टी मिट्टी।